हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे इज क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स में हम एडजस्टमेंट्स किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्म जब फाइनेंशियल ईयर्स की समाप्ति पर अपने अकाउंट्स को बंद कर देती है और बाद में याद आता है कि कुछ जो एडजस्टमेंट थी वो करने से रह गई है, तो उसको हम किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज है, किस प्रकार से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट कौन सी हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स लेना भूल गई है फर्म, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ है उससे रिलेटेड, पार्टनर्स को वेतन और कमीशन आदि नहीं दिया गया हो तो उसे हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 33। ए बी सी डी एक फर्म में समान साझेदार है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 थी। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात यह पता चला कि साझेदारी संलयन के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व पूंजी पर 10% ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। साझेदारों में यह तय हुआ कि चिट्ठे में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभिक समाजन के लिए प्रविष्टि कर दी जाए। यह मानते हुए कि पूंजी स्थायी नहीं है, जर्नल की आवश्यक प्रविष्टि करनी है। साझेदार कह रहे हैं कि हम बैलेंस शीट में अब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अगले वर्ष के लिए इसके लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पूंजी क्या स्थाई है? तो ट्रीटमेंट, सारी ट्रीटमेंट जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो सकती है, क्योंकि वो स्थाई होती तो करंट अकाउंट के थ्रू होती है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं सभी का। अकॉर्डिंग टू 10% ये आएगा हमारे पास 12,000। इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो भी फर्म जो है अपने पार्टनर्स को देगी वो क्रेडिट होगा, और जो फर्म पार्टनर से लेगी वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ हम क्रेडिट करेंगे जितना जितना आया है, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, टोटल हो गया 12,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म जो है पार्टनर को देगी, इससे फर्म का प्रॉफिट जो है फिर कम होएगा। तो फर्म को क्या हुआ? लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले प्रॉफिट ज़्यादा थे, अब इंटरेस्ट पे करेगी तो प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये लॉस फर्म किस में डिवाइड करेगी? लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगी। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जितना दिन का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 12,000 उनके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स में। तो जिसका डेबिट और क्रेडिट का हम बैलेंस है वो निकाल लेंगे, जिस पार्टनर का क्रेडिट आएगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जिनका डेबिट आएगा उन्हें डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से सब नंबर 34 है। 35 में कहा गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमें दी हुई है, ड्रॉविंग्स दी हुई है और हमें इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी हमें इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है, निकालना नहीं पड़ेगा। दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट कितना है, इसे हम ऐड कर लेंगे 5400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है फर्म जो है पार्टनर से लेती है, तो फर्म की क्या हुई? इनकम हुई। लेती है तो हम इसे डेबिट करेंगे। अब ये जो इनकम थी फर्म की, तो लेकिन इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड नहीं किया था पिछले साल, तो अब या अगर हम इस इनकम को ऐड करेंगे तो फर्म की इनकम क्या है? वो क्रेडिट होगी, वो इंक्रीज होगी। तो ये इनकम किसे मिलेगी? पार्टनर्स को ही मिलेगी। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो अब इनकम है, प्रॉफिट है, पार्टनर्स को देगी तो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया था तो डेबिट किया था हमने, ठीक है। इनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे, और उसी प्रकार जिसका डेबिट बैलेंस आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जिसका क्रेडिट आएगा उसे क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से सम नंबर 36, 37, 38 सेम पैटर्न है। अब हम कर लेते हैं सब नंबर 41। इसमें जो है सैलरी देना भूल गई है, सैलरी का भी है इसके अंदर। सम नंबर 40 में सैलरी और कमीशन दोनों है, ये सम कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है 2,500, 2,000, 1,500 और 6,000, ठीक है। सैलरी कितनी है? 5,000, 7,500, टोटल कितनी है? 12,500। कमीशन दिया हुआ हमें ओनली 1,000 का 3,000। तो ये सारी चीज़ें फर्म पार्टनर को देगी तो क्रेडिट किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेगी तो डेबिट किया। अब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। 10,150, 9,250 और 1,350, टोटल आया 20,750। तो ये 20,750 है, ये जो हमने क्रेडिट किया जो इन पार्टनर्स को देना था वो ज़्यादा है, तो फर्म के लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो लॉस फर्म किस में डिवाइड करेगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनटू पार्टनर्स। तो जितना दिन का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, उसके अकॉर्डिंग हम इनके
कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और इनका डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकाल लेंगे। और ये जो एडजस्टमेंट होगी, डेबिट क्रेडिट और डेबिट, ये हम इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करेंगे, जो कि इनकी कैपिटल पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सम नंबर 41 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमें, सैलरी दी हुई है। अब इसमें हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है हमें, 5,04,000, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है वो नहीं घटाई गई थी, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है वो घटाएंगे और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आया 1,68,000, 1,68,000 को हम बांट देंगे 7:5 में, क्रेडिट करेंगे, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट होगी, प्रॉफिट जितना इनके हिस्से में आया वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो नेट अमाउंट जो है शुड हैव बीन रिसीव्ड, कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 2,90,000, 2,14,000, टोटल थी 5,04,000, लेकिन क्या कहा गया कि पहले जो ये 5,04,000 है इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए, 2,90,000 और 2,14,000, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट कितना किया है हमने, कितना होना चाहिए था, 2,90,000 और 2,14,000, किया कितना है, 2,52,000, 2,52,000 दोनों में इक्वल। क्रेडिट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, इतना दिया था लेकिन इतना हमें एक्स्ट्रा पे करना था, तो दो एक ही जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो रही है, रवि की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और मोहन की कैपिटल जो है वो डेबिट हो रही है, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। इसी प्रकार से सम नंबर 42 है, ओनली अमाउंट चीजेज है, 42 तक सम है वो एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कि पास्ट में हम जो एडजस्टमेंट करना भूल गए थे उन्हें हमें किस प्रकार से करना है, इन्हें आपको 42 तक सॉल्व करना है। थैंक्स।